बायर फाइंडिंग वो भी इंटरनेशनल, मार्केटिंग वो भी डिजिटल, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से इंटरनेशनल बायर फाइंडिंग कैसे करते हैं, ये है पार्ट टू का वीडियो। पार्ट वन नहीं देखा तो फटाफट जाके वो देख के फिर ये देखे, और अगर वो देख लिया है तो इस वीडियो को देख के इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होइए डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एक्सिम मित्र कवित अश्विन शाह, यानी कि आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया का मार्गदर्शक। दोस्तों, मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग की, यानी कि किस तरह से हम बायर्स ढूंढ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। पहले हमने बात करी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में, अब मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक रीच के बारे में, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम दो तरह से बायर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रीच खत्म हो चुका है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक रीच का मतलब क्या होता है? नंबर वन, जिसमें हमें पैसा डालना पड़ता हो। नंबर टू, जो हमें नॉर्मल से ज्यादा रीच दिलाए, यानी कि जबरदस्ती जाकर रीच दिलाए। नंबर थ्री, इनऑर्गेनिक रीच का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है इट इज फास्ट, और हमारे डिसाइडेड टाइम पे हमारे कहे हुए लोगों को हमारे बताए गए पैसों में वो रीच करता है। अब ये इतना बड़ा फायदा अगर हमें इनऑर्गेनिक रीच दे सकता है, तो फिर क्यों ना हम पेड एड्स करें। पैसा इन्वेस्ट करना बिजनेस में जरूरी है, और वही पैसा मैं जब आपको बोलता हूँ कि 50-60 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, तो यही वो स्टार्टिंग की अमाउंट होती है जो मैं सबको बताता हूँ कि जिसके माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप अपनी रीच फास्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए जाइए, इनऑर्गेनिक पोस्टिंग्स के लिए जाइए। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, उसके पीछे आप पैसा डाल के उन्हें बूस्ट कीजिए, उन्हें मार्केट में स्प्रेड कीजिए। दूसरा होता है कि आप एडवर्टीजमेंट्स रन कीजिए, ऐसी एडवर्टीजमेंट्स रन कीजिए जिसके माध्यम से लोग सामने से अट्रैक्ट होकर आपकी वेबसाइट पर आए, आपकी तरफ आए और आपके प्रोडक्ट्स को देखे, समझे, जाने और आपको इंक्वायरी देकर धीरे धीरे फिर आपको पैसा भी दे, यार वो जरूरी है सबसे ज्यादा। तो इनऑर्गेनिक रीच के लिए क्या क्या कर सकते हैं? नंबर वन, गूगल पे एड्स रन कर सकते हैं। जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, जो भी कंट्री में आप टारगेट कर रहे हो, गूगल एड्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो जो कीवर्ड्स होते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, उसका आपको डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को शो करता है। तो अगर आप अपने कीवर्ड्स पे अगर गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो दूसरा फायदा ये है कि आप वो टारगेट मार्केट के लोग, यानी स्पेसिफिक ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट ऐसा है कि जो इस एज ग्रुप के है या जो इस बिजनेस के टाइप का बिजनेस करते हैं, सीधा उन लोगों को आप वो एड दिखा सकते हो। इतना स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट आप गूगल में कर सकते हो, और पता है सबसे बढ़िया बात, इतना इजी है कि आपको इसको रन करने के लिए कोई भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही सेटअप कर सकते हो। मैं मेरे सभी क्लाइंट्स के बाद खुद ही सेटअप करवाता हूं। मैं मना करता हूं कि अगर पेड एड्स कर रहे हो तो किसी भी एजेंसी को मत दो, आप खुद करो। लोग देते हैं एजेंसी को, वो बात अलग है, बट मैं सजेस्ट करता हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ खुद सिखाता हूं और आपके पास ही ये सब कुछ करवाता हूं। जब आप खुद करोगे तो आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करोगे, और जो कुछ नहीं आता उसके लिए मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता कर रहा हूं। तो सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या हर एक टाइप के काम के लिए आपका डिजिटल एक्सीमीटर आपके साथ बैठा हुआ है। और मैं जो आपसे बात कर रहा था इनऑर्गेनिक रीच में, नंबर वन गूगल एड्स हो गया, नंबर टू फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आज के टाइम पे हर कोई फेसबुक पे है, और आप अपने प्रोडक्ट्स को डालकर उसको ऐसे लोगों तक स्पेसिफिक पहुंचा सकते हो जो सच में आपके कस्टमर्स हो, और वो आपसे अट्रैक्ट होकर काम कर सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक ही साथ एड्स चलते हैं, तो आपके दोनों मीडियम कवर हो गए। नेक्स्ट है लिंक्डइन, जहां पर पेड एड्स का सच में बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत बहुत फायदा है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है पर आपका काम हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक माध्यम से ये तीन प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन कीजिए, आपको सामने से इतनी इंक्वायरी आएगी आप थक जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर ढंग से इन्वेस्टमेंट किया, प्लैंड इन्वेस्टमेंट किया, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको अपना जितना भी एक्सपेक्ट रिजल्ट है उससे ज्यादा आपको रीच मिलेगी, उससे ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग को ना पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत हल्के में लेना चालू कर दिया कि अरे वो तो स्पैम होता है, पढ़ता कौन है। पर एक बात आप सब लोग भूल रहे हो,
कि ईमेल्स आजकल सबके स्मार्टफोन में कंपलसरी होते हैं। हमारे पास आसपास जितने भी लोग हैं सबके पास स्मार्टफोन है और किसी का भी स्मार्टफोन बिना ईमेल आईडी के चालू नहीं होता है। तो ईमेल्स तो भैया नोटिफिकेशन सबसे पहले आते हैं, तो ईमेल्स को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि ईमेल के माध्यम से आप जितना लोगों तक रीच कर पाओगे जितना उनके सबकॉन्शियस में होता क्या है। मैं भी मानता हूं मैक्सिमम लोग ईमेल्स नहीं पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट की ईमेल अगर उनको लगता है तो ओपन भी नहीं करते हैं, पर जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें अगर आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन किया, अपना प्रोडक्ट मेंशन किया है, तो वो उनके सबकॉन्शियस में फिट हो जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही है स्मार्टफोन पे। देखो ये सारी बातें कोई किताब में नहीं लिखी है, ये सारी बातें कहीं गवर्नमेंट के रूल्स में नहीं लिखी है, ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये सारी बातें हमने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए हैं और हम करते ही रहते हैं डेली बेसिस पे, तो उसका जो निचोड़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। और यही फायदा होता है अनुभव के साथ रहने का। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ही एम्प्लॉइज थे या मेरे ही स्टूडेंट थे, जो आज ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अपनी दुकान लगा के बैठ चुके हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं। अब ऐसे लोग जो पहले इंश्योरेंस में नौकरी करते थे, फिर मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं बेसिक कुछ छोटी सी, अब वो अपना क्लासेस चालू कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट इससे खराब होता है, लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से घबराते हैं, पीछे भागते हैं। आज मैं केटीडीएमबी का ग्रुप से हूं, तो आज की तारीख में भी अगर मैं आप लोगों से कोई भी नॉलेज शेयर करता हूं, ये वीडियो हमारे ग्रुप के सीनियर्स देखते हैं, उसमें अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है या उनको लगता है कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, आज की तारीख में वो मुझे गाइड करते हैं, डांटते भी हैं। ये जो अनुभव मेरे पीछे है, ये अनुभव मुझे गाइड करता है। आप लोगों के सामने चेहरा मेरा जरूर है, पर मेरे पीछे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो सालों से नहीं पर दशकों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इस फील्ड के दिग्गज हैं। तो ये लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं, जो मुझे आगे ले जाते हैं, और उसके सामने मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, आपको आगे ले जाता हूं। तो एक सॉलिड बेस, सॉलिड फाउंडेशन, एक ब्रांड वैल्यू, एक ट्रस्ट, ये जो हम ऑफर कर पाते हैं, और उसी अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि ईमेल मार्केटिंग इज नॉट डेड, ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल वेरी मच अलाइव, किकिंग एंड रॉकिंग। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भरोसा करो, और ईमेल मार्केटिंग पता है सबसे बढ़िया फायदा क्या देता है, वो है ना, लोगों के सबकॉन्शियस पे अटैक करता है। कॉन्शियस माइंड पे तो अटैक आप करोगे मार्केटिंग के माध्यम से, बट सबकॉन्शियस माइंड पे अगर अटैक कर दिया ना बॉस, तो आपका पूरा गेम यू चुटकियों में चेंज हो गया, चुटकियों में आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ और भी अभी कुछ माध्यम बाकी है डिजिटल मार्केटिंग के, कुछ ऐसे रास्ते जो थोड़ा सा हटके है, जो थोड़ा सा अलग है, पर अगर अपना लिए डिजिटल मीडिया को अपना लिया, तो कोरोना हो या ना हो, आराम से घर पे या ऑफिस में एक लैपटॉप या तो सिर्फ एक स्मार्टफोन, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं मेरे स्मार्टफोन पे मेरे सारे बिजनेस स्मार्टफोन पे हैंडल करता हूँ। एक कंपनी के लिए एक स्मार्टफोन, पूरा बिजनेस उसके ऊपर, फिर दूसरा स्मार्टफोन, पूरा बिजनेस उसके ऊपर। आप भी अपना पूरा बिजनेस एंड टू एंड स्मार्टफोन पे मैनेज कर सकते हो, और मैं मेरे सभी क्लाइंट्स के पास वही करवाता हूँ। कोई लैपटॉप नहीं, कोई कागज पर्चे नहीं, बेसिक फाइलिंग अगर जरूरत है कस्टम के फाइलिंग के लिए, आजकल वो भी पेपरलेस हो चुका है, ना बराबर के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है जब ट्रेड करते हैं, पर ये स्मार्टफोन के माध्यम से आप स्मार्ट काम करके इंटरनेशनल बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। पार्ट 3 अभी बाकी है, उसमें हम बात करेंगे कुछ और मीडियम्स के बारे में, पर उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। एडवांस एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही इंक्वायरीज आ रही है। मैं आपको बता दूं कि एडवांस एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट इज ओनली फॉर बिजनेसमैन। अगर आप एक स्टूडेंट है या आप हाउसवाइफ है या तो आप एक स्टार्टअप है, तो आप लोग हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ये भी पूरी दुनिया से हटकर है। इसमें 2 हफ्तों का लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शाम को 8 बजे से लेकर, जिसमें हमारे ट्रेड मैनेजर खुद आपको गाइडेंस देंगे, कोई भाड़े की फैकल्टी नहीं, हमारे ही ट्रेड मैनेजर आपको गाइडेंस देते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक समझाते हैं, प्लस 2 हफ्ते का फॉलोअप सेशन, क्योंकि पहली बार में तो खाली दिमाग में घुसता है, फिर तो समझने के लिए अपने को एक बार उसको 100% उसके लिए फॉलोअप सेशन चाहिए। उसके साथ साथ सुबह सुबह आपको मेंटरिंग दिया जाता है, यानी कि टास्क दिए जाते हैं लाइव, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो 2 महीने तक लाइव डाउट सॉल्विंग, कोई हेल्प डेस्क नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई झूठ नहीं। मंडे टू फ्राइडे आओ और लाइव अपने ट्रेड मैनेजर से सारे डाउट्स पूछो। इंडिया में एक ऐसा प्रोग्राम और एकमात्र ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और इंटर्नशिप सब कुछ इंक्लूडेड है। तो PXMT के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फीस भी कम है, पर AXMM सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है जो सीधा इमीडिएट बिजनेस शुरू करना चाहता है, और उसमें भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। PXMT में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, वो हर किसी के लिए ओपन है। तो प्लीज
इसको ध्यान में रखिए, अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए और अभी एक महीने के लिए पैक हो चुका है, नेक्स्ट मंथ के लिए आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। तो आराम से इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी आप मेरे वीडियोस से तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं और लाइव वेबिनार्स भी होते हैं, उसमें आइए क्वेरी पूछिए। ओके, तो फिर मेरे साथ फटाफट धीरे धीरे लेट अस बी डिजिटल, लेट अस गो ग्लोबल। जय हिंद।